ग्रुप चार की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट आए हुए 8 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन यह परीक्षा देने पर मेरिट में आने वाले उम्मीदवार अभी भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB द्वारा यह भर्ती परीक्षा असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपर, स्टेनोग्राफर सहित अन्य पदों के लिए जुलाई 2023 में हुई थी। इसका रिजल्ट 26 फरवरी को घोषित हुआ और इसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी है। आयुष संचालनालय में भी करीब 47 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इसके लिए रिजल्ट के बाद मेरिट में आए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किए जा चुके हैं। वेरिफिकेशन हुए भी 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है। आयुष संचालनालय की डिमांड पर ESB ने कुल 48 पदों पर नियुक्ति करने के लिए परीक्षा आयोजित कराई थी। इसमें अभी भी सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए ही नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। बाकी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अभी भी परेशान हैं। लेकिन उम्मीदवारों को यह समझ नहीं आ रहा है कि नियुक्तियां आखिरकार अटकी क्यों है और आखिरकार कब तक नियुक्ति का आदेश जारी होगा और उन्हें इंतजार करना होगा। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।